तो देखो जो नॉर्मल फिल्म मेकर्स होते हैं वो अपनी मूवीज में बड़े साधारण से कैमियो कराते हैं, जैसे स्पाइडरमैन की मूवी में आयरन मैन का कैमियो, कैप्टन अमेरिका की मूवी में आयरन मैन का एक्सटेंडेड कैमियो, लियो की मूवी में विक्रम का कैमियो। ये तो चलो हो गए नॉर्मल फिल्म मेकर्स। फिर आते हैं लेजेंडरी फिल्म मेकर्स जो अपनी मूवी में हनुमान जी का कैमियो दे रहे हैं। नहीं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आज ही के दिन 12 जनवरी को रिलीज हुई हनुमान मूवी के बारे में। इस मूवी के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। एक तो पहली बात, ये मूवी बड़े ही कम बजट में बनी है और उस पे भी इसने जो चीज डिलीवर की है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि भाई इतनी कम बजट की मूवी इतना ज्यादा डिलीवर करेगी। किसी भी एंगल से मूवी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होती। हनुमान मूवी डायरेक्टेड बाय प्रशांत वर्मा एक परफेक्ट सुपर हीरो मूवी है जो कि अपने लास्ट के 5-10 मिनट में एक बिगर चैप्टर को रिवील करती है जिसको देख के आपको गूज़बम्प्स आ जाते हैं। एंड मूवी के लास्ट का 10 मिनट अकेले ही 100 आदि पुरुष के बराबर है, मतलब आदिपुरुष से कंपैरिजन करना भी इस मूवी की बेइज्जती हो जाएगी। तो समझ लो कि मूवी का 10 मिनट अकेला एक तरफ है और पूरी मूवी एक तरफ है। काफी कंफ्यूजिंग फील हो रहा होगा ना, तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो एक्चुअली में मूवी काफी फ्रेंडली और हैप्पी वाइब के साथ शुरू होती है एंड ये वाइब पूरी मूवी के अंदर कंटिन्यू रहती है इंटरवल के ठीक पहले तक। उसके बाद मूवी का सेकंड हाफ नॉन स्टॉप चलता है क्योंकि सेकंड हाफ में क्या नहीं है, एक्शन दबा के, इमोशंस भी दबा के। मतलब एक तो सीन ऐसा है मूवी में कि भाई तुम्हारे आंसू नहीं रुकेंगे, मैं लिटरली रो दिया था उस सीन के अंदर। और लास्ट के 10 मिनट को तो मैं सिर्फ एक वर्ड कहना चाहूंगा, फेनोमिनल। खतरनाक तरीके से उस लास्ट के 10 मिनट को क्राफ्ट किया गया है, जिस तरह से आगे आने वाली चीजों को सेटअप किया गया है। अब अगर मूवी की टेक्निकलिटीज की बात करें तो जिन जिन जगह पे मूवीज को शूट किया गया है काफी अच्छे से लोकेशन को सेलेक्ट किया गया है एंड भाई देख के मजा आता है। मतलब एक पॉइंट पे तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई ऐसी लोकेशन के साथ अगर आदिपुरुष शूट करते तो शायद कई गुना बेहतर रिजल्ट हो जाता। पर फिर भी इस मूवी की टीम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन जाना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने जिस जगह पे इस मूवी को शूट किया है वो एक चेरी ऑन द टॉप का काम करता है क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड बनाए लोगों ने अंजना दरी का बहुत खूबसूरत है देखने में। मतलब हरी वादियों से चारों तरफ घिरा हुआ और उसमें भी पहाड़ में हनुमान जी की मूर्ति, देख के मजा आ जाता है। उसके बाद मूवी का म्यूजिक भी काफी खतरनाक वाइब रखता है, मतलब टाइटल कार्ड वाला जो बीजम था मुझे बहुत सही लगा। और एंड के 10 मिनट में जो पूरी हनुमान चालीसा बज रही होती है वो तो लेजेंडरी है भाई, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। मतलब क्योंकि उस टाइम पे जो आप एनर्जी फील करते हो, आई थिंक कि आपने रिसेंटली किसी मूवीज में वैसा कुछ फील नहीं किया होगा क्योंकि जिस इंटेंसिटी के साथ हनुमान जी को रिवील किया जाता है, जिस म्यूजिक के साथ एंड जिस स्क्रीन प्ले के साथ, वो बहुत खतरनाक है। मतलब गूज़बम्स तो गारंटीड है एंड गूज़बम्स याद आया कि तुम्हें इस मूवी के अंदर थ्रू आउट द मूवी 5-6 गूज़बम्स वाले शॉट्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर तुम सोच रहे हो मूवी देखने जाने का तो जाके देख लो, डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं होगे मूवी को। वहीं अगर मूवी की इफेक्ट्स की बात करें, वैसे करनी तो नहीं चाहिए क्योंकि इन लोगों का बजट ही इतना कम था, लेकिन उस पर भी इन लोगों ने डिसअपॉइंटिंग काम नहीं किया है कहीं भी कि ऐसा देख ले कि भाई ये क्या है। मतलब VFX है वीक पर फिर भी काम कर जाते हैं, मतलब इट वर्क्स। एंड सिंस स्टोरी काफी अच्छी है, इन लोगों का स्क्रीन प्ले तगड़ा था तो VFX उतने मैटर नहीं करते, लेकिन फिर भी VFX का काम तुम्हें देखने को मिल जाएगा क्योंकि दो जानवर ऐसे जिनको CGI में बनाया गया था, एक टाइगर था और एक बंदर था, दोनों का ही CGI बहुत तगड़े तरीके से किया गया है। तो देखो कुल मिला के बात यह है कि मूवी में एक्शन बहुत सारा है, मूवी में इमोशंस भी भर भर के हैं और मूवी इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा हाई रखती है, तुम्हें टाइम टाइम पे गूज़बम्प्स भी फील करा देगी। तो मेरे हिसाब से मूवी एक मस्ट वॉच मूवी है। बाकी इस मूवी की स्टोरी ने जो रिवील किया और इसके बड़े चैप्टर के लिए जो चीजें अभी आनी बाकी है उस पे तो आई थिंक एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए और आई गेस उस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां मैं अंजना दरी और इस पूरे वर्ल्ड की कहानी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा उसी वीडियो के अंदर, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी ने काफी कुछ रिवील किया है एंड ये रिवील मतलब काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। ऐसा तो मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने जरूर सोचा था कि मूवी में हनुमान जी होंगे क्योंकि पोस्टर एंड ट्रेलर से अपने को वो चीज क्लियर थी, लेकिन उसके अलावा उन लोगों ने जो पूरा वर्ल्ड क्राफ्ट कर दिया है पुराने जमाने का हमारे सामने वो काफी लेजेंडरी है। प्रशांत वर्मा को भाई एक अवार्ड ही दे देना चाहिए क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो क्रिएटिविटी, जो स्टोरी उन्होंने दिखाई और जिस तरह से दिखाई है वो सच में काफी ज्यादा तारीफ डिजर्व करता है। तो अगर अभी तक तुमने मूवी नहीं देखी है तो जाके देख लो, फैमिली के साथ देखना क्योंकि इस मूवी को सपोर्ट करना जरूरी है। ऐसी मूवी अर्निंग करेगी तो लोग वाकई में एफर्ट्स डालेंगे अपनी मूवी में और फिर किसी का भाई किसी की जान कब्जा जैसी मूवीज हमें देखने को नहीं मिलेगी। वैसे लॉर्ड आदिपुरुष भी उन्हीं में से एक है। जय श्री राम।